डर स्टूडेंट टुडे इन दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ फूड इन डेयरी माइक्रोबियोलॉजी वी विल डिस्कस द फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन वट इज फूड प्रिजर्वेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉयलेज मतलब वो प्रोसेस जिसमें फूड को हम ट्रीट करते हैं मतलब ट्रीट को फूड को फूड को मॉडिफाई करते हैं किस मकसद के लिए ताकि हमारा जो खुराक है वो ख़राब न हो जाए या हम ये कोशिश करते हैं कि ख़राब होने के जो चांसेस है वो कम हो जाए इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू तो स्टॉप आर स्लो डाउन स्पॉलेज अभी मुख्तलिफ़ मेथड है फूड प्रिजर्वेशन की सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन की उसूल किया है तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में मेन जो है वो क्या है फोर प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है चार है सबसे पहला जो है कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड। हमने क्या करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड से दूर रखना है तो कौन सी तरीके है जिसके के ज़रिए हम माइक्रोआर्गेनिज़म जो है फूड जो है वो बचाते हैं माइक्रो आर्गेनिज़म से इसमें पहला जो है बाई केनिंग सबसे पहला मेथड केनिंग है केनिंग क्या है ये हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग है सैनिटाइजेशन है ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है हम सेपरेट सेपरेट लेक्चर जो है इसमें डिस्कस करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम फूड से किस तरह बचाते हैं केनिंग के थ्रू ड्राइंग सैनिटाइजेशन दूसरा जो तरीका है वो क्या है रिमोइंग ऑर्गेनिज्म दूसरा तरीका जो है वो क्या है रिमोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मतलब मतलब फूड को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिमूव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करते हैं फूड से किस के ज़रिए बाई फिल्ट्रेशन तो ये फिल्ट्रेशन भी हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो और मेथड है वो है इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ़ ऑर्गेनिज्म या अगर ख़ुराक में फूट आए हैं तो हम इस खुराक को बचाने के लिए फूड की ग्रोथ को हम इनहिबिट कर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम इनहिबिट करते किस तरीके से डिसिकेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट और इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने से इन तरीक़ों से हम माइक्रोआर्गेनिज़म का ग्रोथ जो है इनहिबिट करते हैं फूड में और जो और तरीक़ा है लास्ट तरीक़ा है वो है किलिंग ऑफ माइक्रोआर्गेनिज़म और यह हम माइक्रोआरगेनिज़म को किल करते हैं किस के ज़रिए रेडिएशन हीट के ज़रिए पॉस्चुराइजेशन यूज़ ऑफ बैटीरियोसेंस या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मतलब ये है कि हम माइक्रोआरगेनिज़म्स जो है उसको किल करते हैं किसके ज़रिए रेडिएशन के जरिए हीट के ज़रिए फॉस्चुराइजेशन के जरिए यूज़ ऑफ बिक्टरसिंग या केमिकल के ज़रिए अभी इस इस लेक्चर में हम जितनी भी मेथड हमने डिस्कस कर कर दी है इस सारे मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसका डिफिनीशन और मतलब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में